हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनी स्टोरी पर। मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। डैड, मेरी कंपनी का जो नया ब्रांच खुला है ना इंडिया में, मुझे उसका चार्ज दिया गया है, तो मुझे अगले हफ्ते इंडिया जाना होगा। पर उत्कर्ष, अभी कुछ समय पहले ही तो 1 महीना वहाँ बिता कर आए हो। उत्कर्ष ने कहा, मैं वहाँ कंपनी का नया ऑफिस स्थापित करने गया था। और अब? पिता ने पूछा। कंपनी ने इंडिया ट्रांसफ़र कर दिया है, वहाँ जो नया ऑफिस खुला है उसे अब कुछ समय के लिए मुझे ही संभालना है, उत्कर्ष ने कहा। पिता को धक्का लगा, फिर मन ही मन सोचने लगे, फिर से इंडिया। कितनी मुश्किल से पीछा छुड़ाया था उस देश से हमने। लगा जैसे किस्मत फिर से उन्हें उसी ओर खींच रही है। डर भी लगा कहीं उत्कर्ष। फिर अपने बेटे से बोले, तूने मना क्यों नहीं किया? कहते मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं, उनकी तबीयत भी सही नहीं रहती, मैं नहीं जा सकता। ये सब बातें नहीं सुनी जाती मल्टीनेशनल कंपनियों में डैड, उन्हें बस अपने काम से मतलब होता है। तो तुम कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो, तुम्हें तो कोई भी नौकरी मिल जाएगी, इतने हाईली क्वालिफाइड हो। ये एक चैलेंज है डैड, कंपनी को जब इंडिया वाले ब्रांच से प्रॉफिट मिलने लगेगा तो मेरा करियर ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा, फिर वे मुझे एक एम्प्लॉय से पार्टनर भी बना सकते हैं। उत्कर्ष का जवाब सुन वे चुप हो गए। उत्कर्ष ने डैड को ये नहीं बताया कि उसने स्वयं अपने बॉस से अनुरोध किया था इस पोस्टिंग के लिए, कुछ ही सप्ताह पूर्व इंडिया के पुणे शहर गया था उत्कर्ष अपनी कंपनी की शाखा को स्थापित करने के लिए। काम के बीच में पड़े एक वीकेंड में वह अपनी मौसी के यहाँ चला गया था जो मुंबई में रहती थी। तब मौसी ने उत्कर्ष से पूछा, पुणे में खुल रहा है तुम्हारा ऑफिस? अरे वहीं पास में तो तुम्हारा ददिहाल है, क्या नाम था गांव का? अम्बोली। हाँ यही याद है मुझे अच्छी तरह से, दीदी विदा होकर वहीं तो गई थी। ये सब जानकारी उत्कर्ष के लिए नहीं थी। अपने ददिहाल में वह किसी को नहीं जानता था। वह इस बात से अचंभित ही रहता था कि डैड के तरफ का कोई भी नज़दीकी रिश्तेदार उनके संपर्क में क्यों नहीं है। मेरे दादाजी का नाम क्या था? उत्कर्ष ने मौसी से पूछा। पाटिल, शंभुनाथ पाटिल, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानती। अगली वीकेंड वह अम्बोली पहुँच गया था, मन में उठ रहे हजार प्रश्नों के उत्तर ढूँढने। वो कहाँ से आया है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, क्या कोई अपना मिलेगा, आदि आदि। धड़कते दिल से जब वह गांव पहुंचा तो एक बुजुर्ग से उसने शंभुनाथ पाटिल का घर पूछा। पता तो उन्होंने बता दिया पर थोड़ा आश्चर्य जाहिर किया। कौन हो बेटा, आज तक तो शंभु काका से मिलने शहर से कोई नहीं आया। जब उनके बेटे ने धोखे से उनकी सारी जमीन बेच दी और उनसे सारे संबंध तोड़ विदेश चला गया, तब से बेचारे दोनों अकेले ही रहते हैं। जी मैं उनका दूर का रिश्तेदार हूँ, मन बहुत व्यथित हो उठा था। उसके दादा दादी जिंदा हैं, इतने वर्षों से अकेले रह रहे हैं और उसे पता ही नहीं। घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, परंतु जो वृद्ध द्वय सामने बैठे थे उन्हें देख उसकी आंखों से गंगा यमुना धार बह निकली। कृशकाय शरीर पर एक छटांक मांस नहीं पर अपना सब कार्य स्वयं करते हुए उसने सोचा, क्या यही उसके दादा दादी हैं? उनके पांव छूते हुए जब उसने अपना परिचय दिया तो उनको संभाल पाना उसके लिए असंभव हो गया। इस मुलाकात ने स्वयं उसे भी बहुत अस्थिर कर दिया था, परंतु इस वृद्ध दंपत्ति की हालत को शब्दों में बयान करना उसके लिए नामुमकिन था। जिसका उन्होंने दशकों से सपना देखना भी छोड़ दिया था, वो अगर सच बन उनके सामने आ जाए तो दिल की धड़कन तो कुछ पल को रुक ही जाएगी। जब सोमवार सुबह वह पुणे लौटने लगा तो दादा दादी बेतहाशा रोने लगे। उन्हें लग रहा था कि उनके पुत्र की तरह उनका पोता भी अब कभी लौट कर नहीं आएगा। बेटे का 30 वर्षों से इंतजार कर रहे बूढ़े माँ बाप ने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था, पर अब दादी माँ, दादाजी, मैं आपसे अपनी कसम खाकर कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। फ्राइडे शाम को मैं वापस आ जाऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। नौकरी तो करनी है ना? शायद ये सप्ताह उस दंपत्ति के जीवन का सबसे लंबा इंतजार रहा होगा,
पर जब शुक्रवार को उत्कर्ष वापस लौटा तो मानो उनके जान में जान आ गई। दादी का मुस्कुराता चेहरा तो सचमुच में सुंदर लग रहा था। खून के रिश्ते में कोई बात तो होती है, वह हमारे हृदय के तारों को झंकृत करने से कभी नहीं चूकती। उस सप्ताहांत उत्कर्ष ने जितना बन पड़ा उतने दादा दादी की रिहाइश को बेहतर करने की कोशिश की। ये उसका इंडिया में आखिरी वीकेंड था। अगले शुक्रवार उसकी वापसी की फ्लाइट थी, पर उसने अपने भविष्य का खाका मन ही मन में तैयार कर लिया था। पूरा एक महीना लगा उसे अपने बॉस को इस बात के लिए मनाने में कि उसका ट्रांसफ़र भारत वाले नव स्थापित दफ्तर में कर दे। इसके लिए उसे ना सिर्फ सफलता का आश्वासन देना पड़ा, वरना पहले से कम वेतन पर काम करने के लिए भी राजी होना पड़ा। परंतु उसे इन बातों का कोई गम नहीं था। उसने निश्चय कर लिया था कि अपने दादा दादी की माँ की बची हुई जिंदगी में खुशियाँ भरने के लिए वह कुछ भी करेगा। जिस पितृ ऋण को अमरीकी नागरिक बन चुके उसके माता पिता चुकाने से चूक गए थे, उससे उन्हें ऋण करने का कर्तव्य उनके बेटे का ही तो है ना। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।